हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम ये जो चैप्टर है यानी द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की अगेन प्रॉपर्टीज ही कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने हर एक वीडियोस में एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे देखाइए एंड देन हम आज की क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस चीज़ की, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम अभी बात करेंगे दो बड़े ही स्पेशल ट्राइंगल्स के ऊपर। सो वो दो स्पेशल ट्राइंगल कौन कौन से हैं? सो वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलस ट्राइंगल। सो अभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? सो हम इन दोनों ट्राइंगल के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर आपको कभी कभी क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको इन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। सो चलिए उसे लिख लेते हैं। ये हो गया आइसोसेलस ट्राइंगल। सो सबसे पहले अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें, सो ये नाम जो है इक्वी, सो इक्वी यानी क्या? इक्वल। अब ट्राइंगल में क्या इक्वल? सो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ले, इसका नेम कर देते हैं ए बी सी। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल बेसिकली ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये तीनों साइड का जो मेजर होगा वो हमेशा इक्वल होगा, इसलिए हम इसे इक्विलैटरल कहते हैं। इक्वी यानी इक्वल। सो अगर हमारा एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 3 होगा एंड तीसरा भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर तीनों अलग अलग होंगे या फिर दो सेम है तीसरा अलग है तो उस ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं कह सकते। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सबसे पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है? सो हम उसे लिख लेते हैं। सो पहला प्रॉपर्टी हो गया 3 साइड्स आर इक्वल, हमेशा ऑलवेज इक्वल, ठीक है? वहीं पर अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का तीनों एंगल भी इक्वल होता है। सो अगर यहाँ पर हमें ये तो पता है कि तीनों एंगल ट्राइंगल का अगर हम सम करें, यानी अगर हम तीनों एंगल को ऐड करें तो हमेशा 180 डिग्री आता है ना? ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। एंड सिंस ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है यानी इसका तीनों एंगल्स इक्वल होगा, तो अब बताइए ये तीनों एंगल का फिर मेजरमेंट क्या होगा? सो अगर हम इसे 60 प्लस 60 प्लस 60 करेंगे तो ऑब्वियसली 180 डिग्री आएगा, है ना? क्योंकि 3 एंगल्स है तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ईच एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। सो इतना याद रखना आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का ऑल 3 साइड्स इक्वल होता है एंड साथ में ऑल द 3 एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और वो कितना होता है? 60 डिग्री ईच, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम बात कर ले आइसोसेलस ट्राइंगल की, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल होता है? सो इस ट्राइंगल में हमारा केवल 2 साइड्स इक्वल होता है, ये साइड ये साइड। अब किसी भी 2 साइड को ले सकते हैं हम, इन दोनों साइड्स को भी इक्वल ले सकते हैं, इन दोनों को भी इक्वल ले सकते हैं या इन दोनों को। कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होगा, तीसरा साइड अलग होगा। अगर हम इसको सपोज 4 सेंटीमीटर अज्यूम कर रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इस टाइप के ट्राइंगल को देखेंगे तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, क्योंकि इस ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल है एंड थर्ड साइड डिफरेंट है, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आइसोसेलस ट्राइंगल की बात। सो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रॉपर्टी आया वो क्या आया? 2 साइड, एनी 2 साइड, एनी 2 साइड्स
आर इक्वल। ओके, अब जो हमारा दो साइड इक्वल आया, जो थर्ड रिमेनिंग साइड बच गया वो तो नॉन इक्वल है। सो हमारे जो नॉन इक्वल साइड को हम क्या कहते हैं? सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में नॉन इक्वल साइड को हम बेस कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो इसका नाम हो गया बेस। सो मैं लिख दूं, नॉन इक्वल साइड इज कॉल्ड बेस। ठीक है, सो हमारा नॉन इक्वल साइड का नाम क्या हो गया? बेस। अब जो बेस में हमारा जो दो एंगल्स बनेगा, ट्राइंगल में जो तीन एंगल होते हैं ये तो आपको पता है। सो ये हमारा बेस है क्योंकि ये डिफरेंट है बाकी दो साइड से, सो इसलिए से हम नेम बेस किए। तो बेस में जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ये लाइन के जो दोनों तरफ एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं बेस एंगल। ठीक है, सो इन दोनों एंगल का नाम क्या हो गया? बेस एंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये आपको याद रखना होगा ये भी। ठीक है, सो बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में। ठीक है, आर इक्वल ऑलवेज। ठीक है, सो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो बेस एंगल दोनों हमेशा इक्वल होगा। सो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। सो अगर हम इन दोनों को बेस एंगल बोलते हैं तो फिर इस एंगल को हम क्या कहेंगे? सो इस एंगल का नाम होता है वर्टिकल एंगल। सो बाकी दो एंगल को छोड़ के जो तीसरा एंगल बचेगा उसे हम कहेंगे वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को सम कर दे यानी समरी बताए तो इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या आया? सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी टू साइड्स इक्वल होता है एंड थर्ड साइड नॉन इक्वल होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? बेस है। और बेस एंगल्स यानी जो बेस में जो दो एंगल्स बन रहे होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड जो बेस एंगल के अलावा जो थर्ड एंगल बचा उसका नाम क्या होता है? वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो ये था हमारा समरी इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर, चलिए उसे देखते हैं फिर। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। सो जैसे कि हमने यहां पर बोर्ड में ऑलरेडी लिख लिया है, सो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो अब हम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी में क्या है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है जो है आपका हाउस। ठीक है, यहां पर और एक पॉइंट है, सपोज ये है रेलवे स्टेशन। ठीक है, एंड यहां पर एक पॉइंट है, ये हो गया आपका स्कूल। अब यहां पर ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी यहां से यहां पर एक रास्ता बना हुआ है, ये भी एक रास्ता है यहां से, एंड यहां से भी एक रास्ता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको हाउस से स्कूल जाना है, यानी अपने घर से स्कूल को जाना है। तो आप कैसे जाओगे? यहां पर आपके पास दो रास्ता है, या तो आप स्कूल से हाउस डायरेक्टली जा सकते हो इस रास्ते को यूज करके, या फिर आप यहां से रेलवे स्टेशन जाओगे, रेलवे स्टेशन से अगेन स्कूल, ये भी एक रास्ता है। बट आप कौन सा रास्ता ज्यादा प्रिफर करोगे? ऑब्वियसली ये रास्ता। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसको अगर जाओगे तो ये आपको ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो इसे अगर हम यहां पर पॉइंट को ए लिखे एंड ये पॉइंट को बी लिखे एंड ये पॉइंट को सी लिखे, तो अभी ए बी सी क्या हो गया? एक ट्राइंगल हो गया, है ना। सो इस ट्राइंगल में हमें क्या पता चला कि अगर हम इस डिस्टेंस को यूज कर रहे हैं यानी ए बी प्लस बी सी, अगर हम ऐसे और ऐसे करके सी में पहुंच रहे हैं, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए सी, है ना। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होगा ए सी से। सिमिलरली अगर आपको बी से ए जाना है पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? आप डायरेक्टली यहां से यहां जा सकते हो, है कि नहीं, या फिर आप यहां से होके सी पॉइंट में, सी से फिर ए पॉइंट में, दो वेज है। बट शॉर्ट वे कौन सा होगा? ओब्वियसली अगर बी से आप ए डायरेक्टली जाओगे तो आपको शॉर्ट पड़ेगा।
तो फिर हम कैसे यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम बी सी प्लस सी ए जाएंगे, ये हमें ज्यादा लंबा पड़ेगा, ये डिस्टेंस ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में? बी ए के कंपेयर में, है ना। वहीं पर अगर हम तीसरे एंगल की बात करें, यानी बी टू सी जाएंगे, सो बी से जाने का अगेन दो वे होगा। सो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो बी ए से ए सी, वो डिस्टेंस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू अगर हम बी सी डायरेक्टली जाए तो। सो यही है बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी नंबर थ्री, जो हमें क्या कहता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर थ्री। सो अगर हम इसे लिख ले, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, आप कोई भी दो साइड्स को ले सकते हैं, ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर थ्री। सो जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया आपको, आप कोई भी दो साइड को अगर ऐड करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। सो बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी यूज कहां करते हैं? सो जब भी आपको थ्री लेंथ दिए होंगे या फिर थ्री साइड्स दिया होगा ट्राइंगल का, एंड आपको प्रूव करना है, ये बताना है कि क्या वहां पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है ट्राइंगल की, सो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके वहां इजीली पता कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, सो जैसे कि अगर हमारे पास मेजरमेंट दिए गए हैं 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी आपको यहां पर प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास ये तीनों लेंथ दिए हैं तो क्या हम ये थ्री लेंथ यूज करके ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो अगर हम ये प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है? सो प्रॉपर्टी टेल्स दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो अगर हम इसे फर्स्ट साइड ले ले, इसे हम सेकेंड साइड ले ले, इसे हम थर्ड साइड ले ले ट्राइंगल की। सो अगर हम फर्स्ट वाला बात करें, सो 2 + 5 ग्रेटर है थर्ड साइड से, या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। आप फर्स्ट देख के ओवरऑल कंक्लूड मत कर लीजिए कि हाँ ये ट्राइंगल यहां पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो रहा है, आपको तीनों साइड यानी इन दोनों का ऐड करके आपको पता करना है कि ये ग्रेटर है थर्ड साइड से, या फिर इन दोनों को ऐड करके आपको पता करना है कि ग्रेटर है थर्ड साइड से, या फिर इन दोनों को, आपको तीनों का चेक करना होगा। सो हमने फर्स्ट का चेक कर लिया, अब हम सेकेंड देखते हैं, 5 + 3 5 + 3 या दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज 2, है ना। 5 + 3 कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर, दैट इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। वहीं पर अगर हम बात थर्ड कंडीशन की करें, 2 और 3 अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सो 2 + 3 क्या ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से 5 से? नहीं, 2 + 3 क्या है? 5, विच इज इक्वल टू 5 थर्ड साइड से। सो यहां पर थर्ड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जब हमने सम किया दो साइड का तो वो इक्वल आ गया थर्ड साइड से। सो जिसके वजह से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हमारा ट्राइंगल का तीन साइड्स दिए गए हैं, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो उस केस में हमारा ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात कर ले इस तीनों साइड की, सो अगर हम साइड ले ले सपोज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, अभी हमें प्रूफ करना है क्या इसे यूज करके हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं। सो अगर हम इन दोनों को ले ले, 3 + 6 क्या ग्रेटर आ रहा थर्ड साइड से? यस, 3 + 6 इज 9, विच इज ग्रेटर देन 7 थर्ड साइड। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, 6 + 7 यानी कितना आया, 6 + 7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, या दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी 3। और अगर हम इन दोनों को देख ले, सो 3 + 7 यानी कितना हो गया, 3 + 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द थर्ड साइड, दैट इज 6। सो यहां पर सिंस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब अगर हमारा ट्राइंगल का साइड्स दिए हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, उस केस में हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं।
यानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सो अगर बोलने की बात यह है कि अगर ये प्रॉपर्टी दिया है तो ये प्रॉपर्टी का यूसेज यही है कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, अगर वो गिवन साइड्स दिया है तो। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम देखेंगे कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है एंड ये ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी, एंड यहाँ पर एम एक मिड पॉइंट है क्योंकि बी एम और एम सी इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसलिए एम क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया। अब ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स में ज्वाइन कर रहा है, यानी इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं। सो एम इज द मीडियन। सो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2AM, यानी ये ट्राइंगल के तीनों साइड का सम ग्रेटर आना चाहिए ये मीडियन के ट्वाइस, यानी टू टाइम्स। सो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस यहां हम प्रूफ में ग्रेटर साइन देख रहे हैं, सो यहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे, एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है हमारा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो यहां पर जो ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये मीडियन क्या कर रहा है, ये ट्राइंगल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दे रहा है। सो अगर हम उसे ड्रॉ कर ले तो वो दिखने में कैसा दिखेगा, ये हो गया ए एम बी और इस तरफ क्या हो गया ए एम सी, तो यहां पर दो ट्राइंगल आ गए। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एम, सो इस ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज अगर हम इन दोनों साइड को बात करें, सो ये इक्वल तो है नहीं, हाँ ए बी प्लस बी एम सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है हमारा ए एम, देन इसे हम मार्क कर लेते हैं 1। नेक्स्ट इन ट्राइंगल क्या है ए सी एम, दूसरे ट्राइंगल में क्या है हमारा दो साइड, कोई भी दो साइड ले लेते हैं ए सी और सी एम ले लेते हैं, सो ए सी प्लस सी ए अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा थर्ड साइड से, दैट इज ए एम। अब हमने ए एम को राइट तरफ क्यों रखा, दोनों केस में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में राइट तरफ ए एम दिया गया था, इसलिए हमने जानबूझकर इस साइड को चूज किया ताकि हमारा थर्ड साइड जो ए एम है वो राइट तरफ जाए, नहीं तो आप इन दोनों साइड को भी ले सकते थे, कोई भी दो साइड को ले सकते थे, बट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें ए एम राइट तरफ चाहिए था। हो गया, अब हमें यहाँ पर 2 मिल गए 1 एंड 2, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सो लिख लेते हैं एडिंग 1 एंड 2, और ऐड आप कैसे करते हो, जो भी आपका लेफ्ट तरफ होगा वो ऐड होगा लेफ्ट तरफ से एंड राइट तरफ वाला ऐड होगा राइट तरफ वाले से, सो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम, मैंने इसको और इसको ऐड कर लिया, टोटल लिख दिया, ग्रेटर देन यहां पर क्या है ए एम प्लस ए एम, डन। अब क्या करेंगे, ए बी को कॉपी कर लेते हैं, प्लस ये जो बी एम है और सी एम अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले, यानी बी एम और सी एम अगर ऐड कर ले तो टोटल क्या बन जाता है हमारा बी सी, सो इन दोनों साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल बन जाता है बी सी प्लस ये ए सी कॉपी कर देंगे हम लोग, ए सी इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, यानी दो बार हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ले सकते हैं 2AM, क्या यही हमारा क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और सी ए बात सेम है इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम। सो ये था हमारा प्रूफ, हमने प्रूफ कर लिया, आई होप आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर हो गया। सो इसी के साथ हमने प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। सो टिल देन अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर,
बाय।